वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उसमें एक शीट दिया जाता है सभी एक एम्प्लॉय को यानी वर्कर को, और उस शीट में जिस दिन वो आते हैं आपसे इन प्रेजेंट हाफ डे वगैरह सब लगता है। उसी भी यहाँ पर सैलरी मेंटेन की जाती है, किसी का फिक्स सैलरी भी होता है जिसे फील्ड वर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी ऑफिस वर्क में तो रजिस्टर होता है, वहां भी ऑफिस प्रेजेंट होता है, एब्सेंट प्रेजेंट, सैलरी फिक्स होती है या डेली बेस पे भी होता है काम, ठीक है। तो दोनों बेस पे आप निकाल सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, महीने में आपको सैलरी रिलीज करनी है, तो आप क्या करोगे, आप कितनी बार कैलकुलेटर लेकर के उस चीज को यूज करोगे? तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि आपके पास एम्प्लॉय के नाम है, डेसिग्नेशन है, सैलरी है, आपको बस पता करना है कि 20 दिन यानी 30 दिन माना जाएगा एक जॉब, अगर उसमें 20 दिन आए 25 दिन आए तो उनकी सैलरी कितनी हुई, वो आप आसानी से जान सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कुछ नाम, हमने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय नेम या वर्कर नेम, यहाँ लिख दिया डेसिग्नेशन, उनका पद यानी जिस पद पे वो काम करते हैं डेसिग्नेशन। इसके बाद यहां हम लिख देंगे सैलरी, और यहां लिख देंगे हम वर्किंग डे। इसके बाद यहां पर हम लिख सकते हैं उनको सैलरी कितना बना उनका, ठीक है, उनका नेट सैलरी। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। ये डेटा आपके पास ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। मैं एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। जैसे किसी का नाम हमने दे दिया, हमने लिखा रंजीत, और इनका डेसिग्नेशन कंपनी में कोई कंपनी है हम मान लेते हैं, इसमें इन्होंने हमें इनको सेट कर दिया एक मैनेजर पोस्ट पे है। इनकी सैलरी है 48,000, और इनका जो जॉब है ये 30 डे इन्होंने कवर किया है। तो अब यहां पे आपको नेट सैलरी कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला अगर एक बार आप जान गए तो काफी हेल्प मिलेगा आगे काम करने में। फॉर्मूला हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, हमें लिखना होगा सैलरी इंटू वर्किंग डे डिवाइड बाई 30 डेज, 30 दिन की बात हो रही है। इंटर करेंगे हमें यहां पे मालूम चल जाएगा कि इनका 48,000 रुपए आएगा। हम एक और एम्प्लॉयज का और नाम लिखते हैं, और यहां पे एक बार आप फॉर्मूला जब लगाते हो इसको आप यहां पर ड्रैग कर दो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां जानना है कोई एक नया बंदा, हमने लिख दिया रजनी, और इनको हमने बना दिया चीफ एग्जीक्यूटिव, और इनकी सैलरी आप सेट कर लो, यहां पे हमने सेट कर दिया 38,000। अब यहां पे जॉब पीरियड इनका 28 डेज है, तो सैलरी कितना होगा वो देख लो ध्यान से, सैलरी मालूम चल जाएगा ये आपको 35,466 रुपए। अब ये टोटल कैसे करोगे, जो पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला ये जो आपको दिख रहा है डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, इसको हटा दिया करो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, टोटल एक्यूरेट पैसा मिलेगा। अब इसको अगर आप चाहते हो कि रुपए का सिंबल लग जाए तो आप क्या करेंगे, यहां पर जाकर के सॉरी यहां पे क्लिक करिए, यहां पे लिखा होगा रुपए, और यहां पे अगर ना मिले तो आप क्या करेंगे, यहां क्लिक किया आपने और मोर ऑप्शन जाइएगा, इसके बाद यहां पे क्लिक कीजिएगा अकाउंटिंग, और यहां पे मिलेगा रुपए, अलग अलग आपको करेंसी दिखाई दे रहा है, तो हम सेलेक्ट करेंगे रुपीस, आप थोड़ा नीचे चले जाइएगा, यहां पे देख सकते हो आप, अगर ये वाला सिंबल लगाना चाहते हो बांग्ला इंडिया वाला वो भी लगा सकते हो, आप इंग्लिश वाला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, जैसे ओके करेंगे ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये डिटेल इतना तो होता ही है सबके पास, ठीक है, बस हमें फिल क्या करना होता है, एक बार रिपोर्ट बना के रख दीजिए और आपको बस वर्किंग डे डालना है और सैलरी मालूम चल जाएगा। अगर मैं 20 दिन करूं तो 20 दिन की सैलरी कितना आएगा, इंटर कीजिए, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा 33 पैसे आ रहा है, इसको डिक्रीज कर दीजिए इसमें, ठीक है, तो आपको एक एक्यूरेट मालूम चल जाएगा। अब इस रिपोर्ट को प्रिंट करना है, सेलेक्ट किया, और आप चाहते हो कि इसके साथ नीचे सिग्नेचर भी हो, बिल्कुल ले सकते हो। आप पेज लेआउट चले जाओ, यहां लिखा होगा प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट टाइटल पर क्लिक किया, हेडर फुटर लिखा हुआ है, आप यहां पे फुटर पे क्लिक कीजिएगा, यहां लिख दीजिए उस क्लर्क का सिग्नेचर,
जो बनाएगा इसको, या सुपरवाइजर का सिग्नेचर, ठीक है, सुपरवाइजर। और यहां पे लिख दिया आपने, ये जो मेन बंदा, ये जो मैनेजर रिलीज करेगा पैसा, या चीफ जो रिलीज करेगा पैसा, उसका नाम लिख दो चीफ सिग्नेचर। ओके किया। अब करना क्या है, ओके कीजिए, कंट्रोल एफ टू कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होगा, इस पेज को जब प्रिंट करना हो तो आप ओरिएंटेशन पेज प्रिंट करिएगा, लैंडस्केप वाला पेज, वो भी बढ़िया है। कंट्रोल एफ टू किया, अब यहां देख सकते हो आप, यहां पे हर पेज पे ये सुपरवाइजर का सिग्नेचर करके आएगा और यहां पे चीफ सिग्नेचर करके आएगा, बात समझ में, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो एक बार प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करो, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया हो, और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कोई काम सीखने लायक है, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एक्सेल से रिलेटेड।